हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं और आपको फीस की प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टडिंग एंड लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री इज एवरीवन्स ड्रीम, लेकिन जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि नया कल्चर, नई जगह, नए लोग और नई तरह का खाना। लेकिन ये सारी चीजें हम ऐसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन क्रिएट कर देती है, वो है बिग अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी। तो इसका हमने सलूशन निकालने की कोशिश की है। हम इस वीडियो में ऐसी कंट्रीज की बात करेंगे जो हमें फ्री या बहुत ही कम पैसे में एजुकेशन प्रोवाइड करे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको दो टर्म ईयू एंड ईईए का मीनिंग पता होना चाहिए। ईयू का मीनिंग है द यूरोपियन यूनियन। ये 28 कंट्रियों की यूनियन है और ये 28 कंट्री आपकी स्क्रीन पे मेंशन की गई हैं। ईईए का मीनिंग है द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। इसमें ईयू की कंट्रीज प्लस 3 और कंट्रीज शामिल होती हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। सबसे पहले हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जर्मनी। अगर हम बिना फीस पे किए एक्सीलेंट हायर एजुकेशन की बात करें तो जर्मनी लिस्ट में टॉप पोजीशन पे आती है। पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, से फीस चार्ज नहीं करती। एक बात नोटिस में रखें, यहाँ पे हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फीस चार्ज करती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक स्टूडेंट हो और चाहे इंटरनेशनल, और ये फीस 2000 से 20000 यूरो पर ईयर होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे करनी पड़ती है, जो 100 से 200 यूरो एवरी ईयर होती है। और इस फीस में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बस टिकट टू यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट कैफेटेरिया, सो ऑन। कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम हम मेंशन कर रहे हैं जो पहले बताई गई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, और वो यूनिवर्सिटीज के नेम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट कंट्री जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में भी बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरेट डिग्री हम फ्री में कर सकते हैं, चाहे आपकी नेशनलिटी कोई भी हो। आपको यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के लिए हर सेमेस्टर 32 से 65 यूरो फीस देनी पड़ती है, जो कि कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सर्विस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज में जो यूनिवर्सिटी में हेल्ड होती हैं। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट से 7 से 10,000 यूरो पर ईयर फीस लेती हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज की लिस्ट शो हो रही है। अब हम बात करेंगे फिनलैंड की। फिनलैंड में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हर स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मोस्टली क्लासेस लोकल लैंग्वेज में ही दी जाती हैं, लेकिन 2017 से अगर आप इंग्लिश में बैचलर और मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एवरेज 1500 यूरो पर ईयर पे करने पड़ेंगे। ब्राजील, चेक एंड ग्रीस में भी सेम सिचुएशन है। हमने जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, चेक,
ब्राज़ील एंड ग्रीस के बारे में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में आपको कुछ कंट्रीज की हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले आती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ईयू ईईए स्टूडेंट के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन नॉन ईयू और ईईए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम फीस, जो कि 730 यूरो पर सेमेस्टर है। स्वीडन में भी ईयू एंड ईईए बिल्कुल फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन नॉन ईयू एंड ईईए स्टूडेंट को ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कंट्री डॉक्टरेट के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन में भी ईयू एंड ईईए स्टूडेंट एजुकेशन फ्री ले सकते हैं, लेकिन नॉन ईयू एंड ईईए के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।